मोकामा के वार्ड नंबर 6 में स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई थी क्योंकि स्थानीय स्कूल में घुटने तक पानी भरा हुआ था। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। पिछले कई महीने से मोकामा के वार्ड नंबर 6 में स्थिति बिल्कुल ही विपरीत थी क्योंकि यहां पर लगभग 6 से 7 फीट तक पानी भरा हुआ था। यहाँ का स्थानीय विद्यालय 5 फीट तक पानी में डूबा हुआ था। मजबूरी में कक्षाएं शिक्षक के घर से चलानी पड़ रही थी। छात्रों को पढ़ने के लिए शिक्षकों को नए नए ठिकाने ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। स्थानीय वार्ड पार्षद स्वयं खान ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए छात्रों की प्रगति को प्रभावित नहीं होने देने का दृढ़ संकल्प करते हुए निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने दरवाजे और दिल दोनों खोल दिए और कई दिनों तक शिक्षा का मंदिर उनके कार्यालय से कार्यान्वित होता रहा। नगर परिषद मोकामा की पहल पर 5 HP के पावरफुल मोटर द्वारा स्कूल और आसपास से पानी निकालना शुरू हुआ। 5 दिनों के बाद विद्यालय से पानी निकला तो पढ़ाई फिर से विद्यालय परिसर में निश्चित हो पाई। मोकामा का यह मोहल्ला पिछले कई सालों से 12 महीने डूबा हुआ रहता है। नगर परिषद या अन्य कोई संबंधित विभाग के द्वारा किसी तरह की सहायता न मिलने से यह सरे हुए पानी से बजबजाता रहता है, जिसके कारण यहाँ के लोग बीमार पड़ते रहते हैं। अब यह नई व्यवस्था कायम हुई है, परंतु यह भी ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर है क्योंकि जो ही थोड़ी सी बारिश होगी यहाँ फिर 5 से 7 फीट पानी जमा हो जाना तय है। मोकामा के 6, 7, 8, 9, 2 और 3 जैसे वार्ड में परमानेंट ड्रेनेज व्यवस्था होने से ही कुछ राहत मिल सकती है, अन्यथा यह 12 महीने होने वाला एक लाइलाज रोग बना हुआ है। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग। शोएब फरीद खान, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 6। आज जर्जर हालत में समस्या थी हमारी फारसी मोहल्ला स्कूल की, जो है RS मकतब, एक सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल है। यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी, जल जमाव के कारण 6 महीना हमारी स्कूल बंद रहती थी। मैं खास के मोकामा के नगर परिषद के चेयरमैन और उप चेयरमैन और खास के यहाँ के कार्यपालक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो साल के 6 महीना बंद रहने वाला स्कूल, उनकी मेहनत से अब हमारी स्कूल कभी बंद नहीं रहेगी। उन्होंने एक मोटर का यहाँ पे हमको सब दिया, जिसके वजह से पूरे बस्ती का पानी निकल गया और हमारे स्कूल आज चालू हो गए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बस्ती के लोग और यहाँ के लोग बहुत खुशी मना रहे हैं कि 20 साल बाद स्कूल इस तरह से चालू हुआ है। इससे पहले 7 महीना स्कूल बंद रहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा आपका करना चाहूँगा कि आप हमारे इस मुद्दे को मीडिया से बहुत दूर तक पहुंचाते हैं। मीडिया एक ऐसा माध्यम है आज के दौर में जो कि छोटी समस्याओं हो या बड़ी हो उसको लेकर ऊपर तक जाने में बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा हाथ है इनका। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अरे बस्ती में जो ये स्कूल आप देख रहे हैं सरकारी मान्यता प्राप्त है और इसमें पानी की समस्या आज से नहीं कई सालों से आ रही थी। कई वार्ड पार्षद, कई हमारे जो है सभापति उपसभापति यहाँ से जीत के गए हैं, लेकिन इन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उनके संज्ञान में ये चीज़ गई लेकिन संज्ञान उन्होंने लिया। लेकिन आज हमारे वार्ड पार्षद शोएब खान जी जीत के आए हैं और इन्होंने ऊपर तक बात पहुंचाई और ये बात वहां तक पहुंचने के बाद जो है इसकी कार्रवाई हुई है और यहां से पानी निकल चुका है। और आप देख रहे हैं जैसा कि बच्चे भी हमारे पीछे बहुत सारे पढ़ रहे हैं और ये बच्चे भविष्य हैं हमारे देश के और देश को आगे बढ़ाने में जो इनका योगदान है, ये शोएब भाई और हमारे जितने लोग हैं, उनके जो साथी हैं, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने बहुत सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आके इस मुद्दे को, और हमारी जो स्कूल की हालत जो है बहुत जर्जर हो चुकी है, अगर इस मीडिया के माध्यम से अगर आप इस बात को ऊपर तक ले जाएं, DM SDM विधायक तक, जहां से ये हो सुचारू रूप से इसकी तैयारी हो जाए और ये बन सके, तो हम चाहेंगे कि इसको वहां तक बात को पहुंचाया जाए। बहुत धन्यवाद।